सारा देश आज जबकि जश्न आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, आज सुबह जामा मस्जिद की इन्हीं सीढ़ियों पर से कई सारे हिंदू संगठन के कुछ एक लोग आ गए और हाथों में झंडे लेकर के इन्हीं सीढ़ियों से मस्जिद में आकर के अंदर घुसने की कोशिश की और उसके बाद फिर जय माता के नारे और तरह तरह के नारे लगाए। आप उस वक्त मौजूद थे जी, क्या था उस वक्त पूरा मामला जरा बताएं। पूरा मामला ये था कि नीचे जब आए थे मटियापुर गेट में और भारत माता की जय होकर नारा लगाते हुए आए थे वंदे मातरम और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, ये सब नारे लगा रहे थे। और बताया तो कि यहाँ पे गेट पे उन्होंने झंडे गाड़े दिए थे, हमने झंडे निकाल के उनके हाथ में दिया और यहाँ से भगाने की कोशिश किया लेकिन वो भाग नहीं रहे थे जी। हमने अमन उल्लास साहब को फोन किया था, अमन उल्लास साहब जब यहाँ गेट नंबर 1 पर आया उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या कपड़े पहने हुए थे, क्या वेशभूषा थी उनकी जो लोग घुसना चाहते थे जामा मस्जिद में? नहीं, कपड़े सारे व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, सफेद कपड़े और कुछ लोगों के उसमें माथे पे तिलक भी था और झंडे थे वही जो जी झंडे था तिरंगे। तो आप लोगों ने क्या पुलिस को बुलाया कुछ किया? नहीं, कोई यहाँ पे पुलिस वाले नहीं थे, नीचे जब ऊपर तक पुलिस वाला कोई नहीं था, कनाडा पता। तो शाही जामा मस्जिद का ये गेट नंबर 1 है और ये सामने मटिया महल के रास्ते से बताया गया कि इसी रास्ते से इन्हीं सीढ़ियों से जहां इस वक्त में पूरी तरीके से पुलिस तैनात कर दी गई है, पूरा स्टाफ बुला लिया गया है, जामा मस्जिद की इन्हीं सीढ़ियों पर घुस करके इसी शाही गेट से अंदर आने की कोशिश की गई और बाकायदा हाथों में झंडे लेकर के ये बताया जा रहा है कि सुबह जय श्री राम के, भारत माता की जय के और वंदे मातरम के नारे लगा करके कुछ माहौल को, कुछ फिजा को खराब करने की कोशिश की गई, जिसके बाद में शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने स्टाफ को अलर्ट किया, उसके बाद कुछ लोगों को यहां भेज करके प्यार और मोहब्बत के साथ उन लोगों को यहां से भेजा। सारा देश आज जबकि आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, हर कोई स्वतंत्रता दिवस की जश्न को मना रहा है, ऐसे में कुछ हिंदू कट्टरवादी तंजीम के लोग आकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते हैं और हाथ में झंडे लिए हुए होते हैं, उनके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज थे और उन लोगों ने बाकायदा यहाँ मस्जिद में अंदर इसी गेट नंबर 1 से अंदर जाकर घुसने की कोशिश की और लगातार नारे लगाते रहे कि किसी तरीके से अंदर दाखिल हो जाएं। उस वक्त इमाम साहब कहाँ थे, अहमद बुखारी साहब कहाँ थे? इमाम साहब ने घर पे थे। उनको कैसे खबर दी गई? ये खबर हम लोगों ने दिए थे, क्या बताया था आपने उन्हें? जी, हमने तो मानूंगा साहब को बताया था, मानूंगा साहब पूरी बात बताएं क्या हुआ था। जी, हुआ ये था कि हम लोग गेट नंबर 1 पे थे जी तकरीबन 10 बजे करीब, तो उधर के मटियाबंद की तरफ से नारेबाजी करते हुए ये लोग आए, वंदे मातरम और भारत माता की जय हो, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सारे जहाँ जाते ये सारे नारे लगा रहे थे। हम लोगों ने इनको भगाने की कोशिश की लेकिन ये लोग भाग नहीं रहे थे। फिर उसके बाद हमने जनाब अमन उल्लास साहब को इतना दी थी फ़ोन पर, फिर अमन उल्लास साहब जब यहाँ पर गेट नंबर 1 पे आए, जब उसके बाद हम लोगों ने उनको भगाया। कुल मिलाकर के आज के दिन 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, एक ऐसी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ जामा मस्जिद पर, शाही जामा मस्जिद पर पहुँच कर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। सैयद अहमद बुखारी इस वक्त में अंदर खिताब कर रहे हैं, जनता से मुखातिब हैं, सीधे चलते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। Look at अब साजिश है यहां तक पहुंच गए, क्या हमारी मस्जिद महफूज और ना बता दे सुना महफूज, इसको कौन इसलिए कबीर पानी आपको ये बताऊं कि आज सुबह को यहां क्या वाकया हुआ, ये उसी साजिश की कड़ी है और ये कोशिश थी कि आज जामा मस्जिद से फसाद की शुरुआत हो और पूरे हिंदुस्तान में आग लगे, क्योंकि जामा मस्जिद तो खटकती है सुन्नत परस्तों की आंखों में और ये यहीं से फसाद की इत्तला करना चाहते थे। आज आजादी के दिन पूरे मुल्क में जश्न का माहौल, और यह आजादी तो हमने हम सबने मिलकर हासिल की और इसकी हिफाजत हम सबकी मुश्तरक जिम्मेदारी है। आज का दिन
दूसरे के गिरेबानों में हाथ डालने का दिल नहीं था कि आजादी हमारे कुल का बड़ा असासा। इसी आजादी के दिन आज 20 से 25 कुछ लोग मटिया महल के इलाके से होते हुए जामे मस्जिद के चौक पर आए, बड़े बड़े तिलक लगाए हुए। जब सब लोग सो रहे थे या अपने अपने घर की छतों पर जश्न आजादी में मशगूल थे, दुकानें नहीं खुली। ये 9:55 से और 10:15 के बीच का वाक्य है। और दूसरा नारा था भारत माता की जय और तीसरे वंदे मातरम। आपका ये नारा, आपको मुबारक, हमें कोई इतराज नहीं। आप अपने घर में लगाइए, अपने मंदिर में लगाइए, अपनी तकरीबात में लगाइए, हमें इतराज करने का हक नहीं। लेकिन हमारे ऊपर ये नारे थोपे जाए और हमारी इबादतगाह में आकर ये नारे लगाने की कोशिश की जाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और चौक पर ये नारे लगते रहे, चौक से फिर जामा मस्जिद की सीढ़ियां वो लोग चले, गेट का पर एक ऊपर आए, गेट तक झंडा हाथ में, ये दिखाना कि हमने ये नारे लगाकर मुल्क का झंडा जामा मस्जिद पर लहराया। ना हमें मुल्क के झंडे से कोई इख्तलाफ है, मुल्क का झंडा तो लोग अपने अपने घरों पर 15 अगस्त 26 जनवरी को लहराते हैं। लेकिन आप ये नारे लगाएं और ये दिखाएं कि हम मुसलमानों की छाती पर जाकर ये नारे लगाएंगे तो ये कैसे बर्दाश्त हो। जब मुझे ये इत्तला मिली कि इस तरह का वाकया हो रहा है गेट पर, मैंने बहुत तहम्मुल से, हिम्मत से काम लिया और अपने लोगों से कहा कि जाओ, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्यार से मोहब्बत से चाहे थोड़ी भी हाथ डालना पड़े, आप उन लोगों को नीचे उतार। अगर हमने झगड़ा किया तो फिर ये झगड़ा मुल्क में फैलेगा, रोक नहीं पाएंगे और वो अपनी साजिश में कामयाब होंगे जिस साजिश के तहत वो जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर जामा मस्जिद के गेट तक आए। उनकी साजिश यही थी कि आज 15 अगस्त के दिन के फसाद की इब्तिदा हिंदुस्तान में जामा मस्जिद से की जाए। हमने पुलिस को दिखवाया, 15 अगस्त की वजह से सब अपनी अपनी ड्यूटी पर थे, कोई कांस्टेबल भी यहां नहीं थे। लेकिन 15 अगस्त के मौके पर तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो तैनात रहती हैं लाल किले के आसपास, जामा मस्जिद के आसपास इलाकों में। मैं अगर ये सवाल करूं तो वो कहां थे, ये कैसे जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर जामा मस्जिद के गेट तक आए, क्योंकि जब उन्होंने नारे लगाने शुरू किए तो नौजवानों ने फिर दूसरे नारे लगाने शुरू किए और ये बात पढ़ने वाली थी कि मैंने उसको वही रोक दी, वरना फिर जिम्मेदारी किसकी होती और ये थोपते किसके ऊपर कि जामा मस्जिद से मुसलमानों ने फसाद की इब्तिदा की। मैं हुकूमत से कहूंगा कि अकल के नाखून ले। और मैं ये सवाल करना चाहूंगा हिंदुस्तान के वजीर आजम से, तो ये बताएं कि उनके वज़रा, उनके मेंबरान पार्लियामेंट, मेंबरान असेंबली ना मुसलमानों का नाम ले लेकर हमारी जो दिल आजादी करते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों का जितनी उठाते हैं उनकी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हुकूमत उनकी पतिराई क्यों करती है। जा रही है।
ऊपर तक क्या बढ़ जाएंगे 200 ऊपर तक। दो गए देखो भागे हुए, इधर से भी गए, दो तीन गए। ये बंदा बहुत